भैया राम राम। राम राम जी, क्या कर रहे हो? ये बना रहे हैं सरदार जी बीज। देखो मोस्टली अच्छा। क्या है, बहुत लंबा लोग बीज पहनते हैं जी, इसको कभी भी तीन आग का रखना, लगभग इतना इस समय में। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि अगर इस इंटरनोट में कोई प्रॉब्लम आई बोने के बाद जी, फंगस आई या कुछ कीड़ा लगा जी, तो जितनी लंबी रहेगी ना पूरी पूरी खराब होगी फिर जी। हाँ, वो तो जहाँ पे कट लग गया तो अगले वाला बच जाएगा। तो हम इसमें गैप फिलिंग कर सकते हैं, तो जैसे एक दो तीन हो गई बस, यहाँ से एक आइडियल होता है। अब जैसे ये है बीज बोते समय ध्यान रखना, जैसे छेद हो रहा है ना जी, यहाँ पे ये बीमारी है देखो, इसको नहीं रखना है, ये साफ होना चाहिए ऐसे एकदम प्योर जी। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर किसान इन चीज़ों का ध्यान रखे, जैसे ये करना है तो इसकी जो नोट्स हैं वो लगभग ख़राब है, तो इसको बोना नहीं है, इसको ऐसे खेत में भी निकालना है यहाँ पे भी निकालना है। बोना वो है जैसे ये है, ये गड़बड़ है, निकाल दो साइड में। ये अगर किसान आँखें खुली रखे, तो ये आँख खुली रखे काम करना है कुछ खेत में, ये आ जाए जैसे ये है। ये हमेशा आँख खुली रख के काम करना है, अब जैसे ये हो गया इसको अलग साइड में फेंक दो। आपको भरोसा सब पे करना है लेकिन भरोसा किसी पे नहीं करना है। हमारे यहाँ सेना में कहावत है, यकीन करो कि चैम्बर खाली है, मतलब भले ही तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है, जब आप हथियार जमा कर रहे हो तो एक बार उसको चेक करो कि मेरी बंदूक खाली है, क्यों? ताकि कोई हादसा ना हो जी। तो ये भी आपको, ये बंदूक ही है, चेक करोगे गन्ना ठीक है, पूरे नोट सही हैं, सही से काट रहा हूँ, वरना तुम सारा गन्ना यहाँ से काट दो तो ख़त्म है। तो इसलिए ये किसान की जिम्मेदारी है, जो है वो आपके जो स्वयं सेवक हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना, उनको समझाना, ना कि वहाँ खेत पर चारपाई डाल के बैठ जाना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सदा मेरे को कभी देखा है बैठे हुए? नहीं, मैं कहाँ होता हूँ मोस्टली, हमेशा काम पे होते हो? मैं इनके साथ रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इनसे कोई, कभी मैंने ये कहा कि तुमने काम क्यों नहीं किया, नहीं नहीं कभी नहीं बोला, कितना किया क्यों नहीं किया, नहीं। इंसान है, जितना तुम्हारा मन करे उतना करो, जब लगे कि भैया नींद आ रही है सो जाओ, सही आराम से घर बैठो, जाके बच्चों के पास जाना है, घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि राहुल भैया कुछ कहेंगे ना, जाओ काम करो, लेकिन जितना करो दिल से करो। सही बात। हम सुबह कितने बजे आए थे यार? मैं कितने बजे पहुंच गया था गाँव? साढ़े चार बजे। साढ़े चार बजे मैं गाँव पहुंच गया था, साढ़े तीन का उठा हूँ मैं जी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डेडिकेशन लाना पड़ेगा हम लोगों को। अभी ये पूरा बीज हमने पहले पैंडा है, हमारे यहाँ पैंडना बोलते हैं इसको बिजनौर में, और अभी ये लोग बोते जा रहे हैं, जो आते जाएगा मैं उसको काटते जाऊँगा ऐसे। ये साधारण विधि है साहब, अब हम धीरे धीरे इसको चेंज कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसको चेंज किया है, बहुत लोग गन्ने में कुछ आ रहे हैं साथ में हम लोगों को, बहुत कुछ बड़ा गन्ने में हम देखते रहते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।